हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अगस्त 2022 के लिए आपको कौन कौन से टैक्स कंप्लायंस करने हैं, उनके ड्यू डेट्स मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। वीडियो काफी शॉर्ट में रहेगा, आपको वीडियो पूरा एंड तक देखना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सभी अपना टैक्स कंप्लायंस टाइमली कर पाए, उनको कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी ना देनी पड़े। सबसे पहले ये जो डेट है वो है इनकम टैक्स में 7th। इस 7th जो डेट है इसमें आपको TDS की पेमेंट कर देनी है, TDS या TCS की। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 2 मंथ्स का इंटरेस्ट इसमें देना पड़ेगा, जुलाई एंड अगस्त। तो ये सेव करने के लिए आप इसको पे कर दीजिए टाइमली, क्योंकि इस बार 7th का संडे है, तो हो सके तो उससे पहले ऑनलाइन मोड में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है 15th अगस्त। तो इस डेट में क्या करना है आपको, इस डेट से पहले TDS के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रेस्पेक्टिव वेंडर को भेज देने हैं, क्योंकि इसको डाउनलोड करके आप रख लीजिए, बाद में भी भेज सकते हैं। डाउनलोड करने की तारीख इसमें दी हुई होती है, जो भी अप्रैल से जुलाई के लिए आपने TDS रिटर्न फाइल की है, जिन जिन वेंडर के रिगार्डिंग आपने TDS इसमें डिडक्ट किया है, उन सबको आपको सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए डेट है, सर्टिफिकेट आप बाद में भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ बात करें तो 30th अगस्त, उसमें जो TDS की एक रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसको TDS चालान कम स्टेटमेंट बोलते हैं हम, स्पेसिफाइड सेक्शन के लिए 194 IA IB M, जैसे कि प्रॉपर्टी का TDS हो गया, या फिर रेंटल के केस में आ गया, या फिर कॉन्ट्रैक्टर के केस में, जहां पर हमें 10 नंबर लेके अलग से TDS रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, एक सिंगल चालान के थ्रू हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स थी। अब हम बात करेंगे GST की ड्यू डेट्स। तो GST की जो डेट है, सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट करूंगा, 11th अगस्त। यहां पर आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR1, तो इसको टाइमली फाइल कर दीजिए। इसी तरह से जिन्होंने QRMP स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है कि क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट, उनको भी ये GSTR1 या फिर IFF बोलते हैं इनके लिए, वो फाइल करनी होती है, वो आपको 13 अगस्त से पहले पहले भर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो सामने वाला वेंडर है जिसको आपने इनवॉइस दिया है, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा इनपुट इस मंथ में। जिस महीने में आपने जैसे ये 11th या 13th के बाद किया, तो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो उनको इस महीने में टैक्स की पेमेंट करनी पड़ जाएगी। टैक्स की पेमेंट उनको करनी पड़ेगी, तो इससे आपके बिजनेस रिलेशन अफेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ 10th अगस्त, बट ये स्पेसिफाइड पर्सन के लिए होती है, सबके लिए नहीं है। GST में रिटर्न, GST में जो TDS डिडक्ट करना होता है उसके लिए है। देन ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, ये भी स्पेसिफाइड है, तो उनके लिए GSTR 7, GSTR 8 दोनों की 10 तारीख है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक GSTR 6 होती है, जो कि ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होती है, उसकी भी 13th अगस्त डेट है। नेक्स्ट ये हमारी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट है, जिसमें हमें 20 तारीख तक समरी रिटर्न टैक्स के साथ पेमेंट करते हुए GSTR 3 भी भर देनी होती है। बट इसमें ये आता है कि जो QRMP वाले हैं उनके लिए यहाँ पर उनको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी होती है, तो उनके लिए उनको 25 तारीख तक चालान जमा करना होता है ITC से एडजस्ट करके, अगर कोई टैक्स की लाइबिलिटी बन जाती है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो ये दो रिटर्न है, एक तो 5 एंड 5A, ये NRI नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए GST में, और GSTR 10 जो है वो UIN होल्डर्स के लिए, तो सबके लिए अप्लाई नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स जो है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है, 11th, 13th और 20th एंड 25th। तो यहाँ पर आपको ये टैक्स कंप्लायंस कर लेना है GST के, उसके बाद बस एक ESIPF वाला टैक्स कंप्लायंस रह जाता है, जिसकी ड्यू डेट कोई भी चेंज नहीं है, नेक्स्ट मंथ के 15 तक आपको करने होते हैं दोनों के दोनों, ESIB और PFP। तो इसका जो कंप्लायंस है वो भी आप टाइमली कर लीजिए, ताकि आपको इंटरेस्ट और इसमें पेनल्टी भी लग जाती है वो आपको सेव हो जाए इसमें। तो इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बता दिया है अगस्त के लिए क्या क्या टैक्स कंप्लायंस आपको करना है। इसके अलावा टैक्स कंप्लायंस के लिए पूरी वीडियो आपको यहां पर जाकर मिलेगी, सी अपनी जैन के नाम से आप चैनल सर्च कर सकते हैं, उसमें वीडियो सेक्शन में जाकर आप वीडियो देख लीजिएगा। अगर फिर भी किसी रेलिवेंट टॉपिक या स्पेसिफिक आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखने हैं, इनकम टैक्स के अलग है, GST के अलग है, रजिस्ट्रेशन के अलग है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हर तरीके की कंप्लायंस की वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।